डॉक्टर सभी को रमान जो संभल के सांसद है उन्होंने भी टिप्पणी की है, 21 साल बताया हुआ लड़की है, लड़कियों को लेकर टिप्पणी की है सरकार के कानून बनाने पर। अब उनकी अपनी बुद्धि है, अगर उनको बुद्धि सदबुद्धि होती तो समाजवादी पार्टी की दुर्गति नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी को सब महिलाएं बेटियां चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू सब वोट देने वाली। यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क को उन्होंने बुद्धिहीन बताते हुए कहा कि यदि बुद्धि होती तो सपा की दुर्गति नहीं होती। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबल सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है। अखिलेश यादव का जिन्ना आदर्श है, सरदार पटेल वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, प्रियंका गांधी और उनकी मां राम को नहीं मानती, वह लड़की हैं, लड़े उन्हें कौन रोक रहा है। हेमा मालिनी के गालों वाले बयान पर कहा कि नारियों को ऐसा कहना ठीक नहीं है। और क्या क्या बोले यूपी सरकार के राज्य मंत्री, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अब आप देखिए पूरे प्रदेश में जितने विकास योजनाएं हुई हैं, जितने सड़कों का जाल बिछा है, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सब सड़कों का जाल, सड़कों के साथ कल्याणकारी योजनाएं, सबको खाद्यान्न और सबके लिए बिजली 24 घंटे लगातार मिल रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा हमको विश्वास है। और ये अपील हमें यहाँ के संभल की जनता से और युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं से करने के लिए। अखिलेश जयंती लगातार रैलियां हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा उनकी रैली? कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कहाँ रैली हो, रैली तो जन विश्वास जाते हैं भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आपके टेलीविजन लगातार दिखा रहे हैं, कई हजार लोगों की भीड़ और लोगों की जन समुदाय यात्रा का स्वागत कर रहा है, नौजवानों का पूरा उत्साह उसके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है सर्वत्र, जहाँ देखो वहीं भाजपा है। और अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको बताएगी। और हमको देखिए अखिलेश यादव जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में अखिलेश यादव काम करते हैं, अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना होते तो देश का विभाजन नहीं होता, वो जिन्ना ही है जिसने देश का विभाजन कराने का काम किया, जिसने देश को कलंकित करने का काम किया, जिसके कारण से लाखों बहनें अपने जिनका बेटा चला गया, लाखों बहनों का सिंदूर छिन गया, लाखों नौजवानों की हत्याएं होगी, ऐसा जिन्ना जो उनका आदर्श है। हमको अपने नौजवानों ये भी आह्वान करना है कि उनका आदर्श जिन्ना रहेगा या सरदार पटेल रहेंगे, उनका आदर्श जिन्ना रहेगा या गुरु गोविंद सिंह रहेंगे या छत्रपति शिवाजी रहेंगे, ये भी युवाओं से हमको आह्वान करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्ना देश का विभाजन कराया वो अखिलेश के उनके आदर्श हैं, तो ये बात भी हमको युवाओं से करनी है। जमीन खरीदी आ रही है, भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पहले तो राम को नहीं मानती थी, उनकी माताजी ने मना कर दिया, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, पहले वो ये था कि राम का अस्तित्व है कि नहीं। प्रियंका जी आप ये पूछिए कि राम का अस्तित्व है कि नहीं है, पहले वो ये बताएं, उसके बाद बाकी बात हो। भारत सरकार के मंत्री गुलाब राय ने जो विवादित बयान दे रहे हैं, बाकी बात मान लीजिए, पर विवादित बयान दे रहे हैं कि उनके यहाँ की सड़कें जो हैं है मान लीजिए गालों की तरह हैं, क्या कहेंगे? अब ये अशिष्ट भाषा, इनको हमको टिप्पणी भी नहीं कर सकते कि उनकी बुद्धि है, और हेमा मालिनी हो चाहे यहाँ की नारी कोई भी हो, हम उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर संभल के सांसद है, उन्होंने टिप्पणी की है, 21 साल उम्र का लड़की है, लड़कियों को लेकर टिप्पणी की है सरकार के कानून बनाने पर। अब उनकी अपनी बुद्धि है, अगर उनको बुद्धि सदबुद्धि होती तो समाजवादी पार्टी की दुर्गति नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी को सब महिलाएं बेटियां चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू सब वोट देने वाली।